नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल जेन्युइन एनालिसिस हमने किया है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। पिछले लास्ट वीक से अगर आप देखेंगे या एक महीने के पिछले रिकॉर्ड को अगर आप चेक करेंगे तो स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सुजलॉन स्टॉक की हम बात कर रहे हैं, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि कंपनी को रेगुलर ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं और इनका क्वार्टर का रिजल्ट भी अच्छा रहा है, प्रॉफिट्स ये बना रही है कंपनी और डे बाय डे ये कंपनी का स्टॉक की परफॉर्मेंस भी सुधर रही है। क्या ये सुधार उसी सेम पोजीशन में पहुंचने में कितना समय लेगा या कितनी जल्दी ये सेम पुराने 300 350 वाले प्राइस को कभी टच कर पाएगा या कितने समय में टच कर पाएगा, ये तो अभी थोड़ा लंबा समय लगेगा। लेकिन फिलहाल हम 1 ईयर का या 2 ईयर का प्लान जरूर आपसे शेयर करेंगे। अभी आप देखेंगे तो एक दिन के अंदर, लास्ट वीक की बात करें, लास्ट वीक में सिंपल लास्ट वीक के फ्राइडे में अगर आपने नोट किया होगा तो इसमें करीब करीब 2% 2.04% की ग्रोथ हुई है इसके प्राइस में। वीक की बात करेंगे, लास्ट वीक में करीब 17.65% के रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिए हैं। लास्ट एक महीने की बात करेंगे तो एक महीने में 21.95% का इसने बनाया प्रॉफिट बना के दिया है इस स्टॉक ने, सुजलॉन ने, तो जो कि एक बहुत अच्छा परसेंटेज है। अभी 3 मंथ्स का देखें तो 23.46% के प्रॉफिट बना के इसके प्राइस अप रहे हैं। लास्ट सिक्स मंथ के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो 13.64% और 1 ईयर के अंदर 38.7% के आसपास, और 3 ईयर्स में 59.17% और 5 ईयर्स में 2.45%, यानी कि जो कि बहुत कम है, प्राइसेस के स्टॉक का गिर चुका है। हालांकि अभी ये पैनी स्टॉक की तरह ही काम कर रहा है और अभी करंट की बात करें तो करंट में ये स्टॉक आगे तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसका एनालिसिस जरूरी हो जाता है कि आने वाले समय में ये कैसा स्टॉक रहने वाला है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का हमने जो स्टॉक का एनालिसिस किया है, सबसे पहले मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्वॉट जो एनालिसिस हम करते हैं, तो उसमें अगर इसके जो स्ट्रेंथ का पॉइंट की बात करेंगे तो इस स्टॉक के अंदर 9 स्ट्रेंथ पॉइंट्स हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे 7 अपॉर्चुनिटी पॉइंट्स भी बन रहे हैं। वीकनेस इस स्टॉक के अंदर रहती ही है। फिलहाल 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको वीकनेस को शो करते हैं और 1 थ्रेट्स भी इसके अंदर है। क्वालिटी वाइज में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक की स्ट्रेंथ क्या है। तो बेसिकली अब जब स्ट्रेंथ की बात होगी तो कंपनी विद हाई टीटीएम ईपीएस ग्रोथ के फंड पे काम कर रही है। स्टॉक विद इंप्रूविंग कैश फ्लो और गुड ड्यूरेबिलिटी, सब्सक्रिप्शन और इनका कैश फ्लो पर ये इंप्रूव कर रहे हैं। कंपनी का स्टॉक भी इंप्रूव कर रहा है। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी क्वार्टर टू क्वार्टर भी इनका ग्रोथ नेट प्रॉफिट और इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर द लास्ट 2 क्वार्टर्स, पिछले 2 क्वार्टर से इनका रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्रेंथ पॉइंट बनता हुआ दिखाई देता है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए। जहां तक बात है वीकनेस की, तो वीकनेस इसका जो स्टॉक का है वो सेम वही है कि इसमें हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स कंपेयर टू अर्निंग्स है, यानी कि कमाई कम और ब्याज ज़्यादा देना हो रहा है, कंपनी को देना पड़ रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा वीकनेस वाला पॉइंट है इस स्टॉक के लिए। साथ के साथ म्यूचुअल फंड्स भी इसमें डिक्रीज हुए हैं, उनकी शेयर होल्डर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड इसके अंदर डिक्रीज पोजीशन में गए हैं, तो जो कि एक वीकनेस का ही पॉइंट है। लो अगर आप चेक करें तो इसमें लो स्कोर इसका रहा है कंपनी के वीक फाइनेंशियल्स की वजह से और कंपनी विद हाई प्रमोटर्स प्लेस, तो हाई प्रमोटर प्लेसेस की वजह से भी ये इसका एक वीकनेस पॉइंट है। हाई प्रमोटर स्टॉक प्लेसेस, यानी कि स्टॉक को गिरवी रखने की जो प्रक्रिया ये लोग कर रहे हैं उसकी वजह से भी कंपनी के स्टॉक में वीकनेस शो हो रही है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। स्टॉक के अंदर अपॉर्चुनिटी अंडर वैल्यू ग्रोथ स्टॉक्स है, रिजल्ट स्क्रीन है, स्टॉक अपकमिंग रिजल्ट विच आर पॉजिटिव शिफ्ट इन शेयर प्राइस, तो आप समझ पाएंगे कि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका कारण है कि निफ्टी 500 कंपनीज के अंदर प्रीवियस क्वार्टर में जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ में ग्रेटर देन 10% का जो ईयर ऑफ ईयर क्वार्टर ऑफ क्वार्टर रहा है, तो उसमें ये कंपनी एक अपॉर्चुनिटी शो करती है, तो इस बेस पे आप चेक कर सकते हैं। साथ के साथ अगर सुजलॉन एनर्जी के थ्रेट्स की बात करेंगे तो सेम वही है कि मैक्सिमम इसके कंपनी के अंदर आप कभी कभी बीच में सुन भी रहे होंगे कि जो हायर मैनेजमेंट है, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है, उसके रेजिग्नेशन की न्यूज़ मार्केट में आती रहती हैं, जो कि एक अच्छा पॉइंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं। क्वालिटी वाइज स्टॉक की बात करेंगे तो 100 में से 31 पॉइंट्स इस स्टॉक को मिलते हैं। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में भी 100 में से 51 पॉइंट मिलते हैं। टेक्निकल की बात करेंगे तो 100 में से 57 पॉइंट्स इस स्टॉक के बारे में बनते हैं। अब ये तो बात रही कि इस स्टॉक का मैंने पूरा एनालिसिस आपसे बताया, अब बात करते हैं इसके फ्यूचर की। फ्यूचर एनालिसिस क्या कहता है, फ्यूचर में इसका कैसा फोरकास्ट बनता है, तो वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का जो स्टॉक है वो करीब आप देखें तो लंबे समय के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो उसके लिहाज से ये स्टॉक कैसा रहेगा ये जरूरी जानना है। अब सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड का जो स्टॉक है, वैसे पिछले कुछ वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि ये एक अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो।
अब बात करेंगे कि इसमें अभी ये करेंट में 10 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले समय में यानी कि अगर मंथ वाइज डाटा की हम बात करें तो मंथ वाइज ये कैसा जाने वाला है, तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जुलाई से लेकर दिसंबर तक। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना है इस स्टॉक में 1 ईयर का अगर आप प्लान करते हैं। तो अभी जुलाई की बात कर रहे हैं, जुलाई में आपको ये मैक्सिमम प्राइस 11 रुपये 30 पैसे के आसपास देखने को मिल जाएगा, और अगस्त की बात करेंगे तो फिर से ये 9 रुपये 90 पैसे 9 रुपये 95 पैसे के आसपास में देखने को मिलेगा। सितंबर में बात करेंगे तो सितंबर में भी ये मैक्सिमम प्राइस अगर बात करेंगे तो 9 रुपीज़ 85 पैसे के आसपास ही देखने को मिलेगा। अक्टूबर की यहाँ तक बात है 10 रुपीज़ 25 पैसे, नवंबर में आप देखेंगे तो 10 रुपीज़ 90 या 95 पैसे के आसपास भी देखने को मिल जाएगा, और दिसंबर में भी ये करीब करीब 10 रुपीज़ 40 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ऐसा इसका सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड स्टॉक का प्राइस का फोरकास्ट है 2023 का, जो आप समझ सकते हैं कि ये मैक्सिमम 11 रुपये 90 पैसे के आसपास इस साल में देखने को मिल जाएगा, यानी कि 12 रुपये को टच कर सकता है इसका स्टॉक इस ईयर में। उससे ऊपर जाता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी अगर कहीं बीच में कोई बड़ी न्यूज आती है तो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा हो सकता है, अच्छे प्राइस बनते हुए देखने को मिल जाए। रही बात लॉन्ग टर्म अर्निंग पोटेंशियल की, तो फिलहाल तो इसके अंदर करीब करीब 17-18% का ही आपको अर्निंग पोटेंशियल देखने को मिलता है, जो कि एक बुरा नहीं अच्छा भी नहीं, लेकिन एक अच्छा आपको अर्निंग पोटेंशियल है करीब 17-18% के आसपास आपको 1 ईयर में ये अभी देने की क्षमता रखने वाला स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है। नमस्कार, वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण लाइट्स मेरा बल्ब बंद हो गया है। आपको स्टॉक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या किसी और कंपनी के स्टॉक में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।